सर ये बताएं कि सुने आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, इस्लामाबाद मुंतकिल होने की वजह क्या है? जी तो सोच रहे हैं, कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ये है कि ख्याल है। मैं यहाँ इस घर में अकेला हूँ, मेरी बेगम को सोच हुए 8 साल हो गए हैं, बिल्कुल घर में अकेला रहता हूँ। इतने बड़े घर में ना तो इंसान है, बीमार हूँ, बूढ़ा हूँ, कई रात को तकलीफ होती है, तो अस्पताल जाने के लिए मेरे साथ क्यों नहीं होते, तो मेरे साथ जाने बंदे जो है यहाँ काम करने वाले वो मेरे साथ जाते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि उम्र का तकाजा भी याद में एकदम इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो इलेक्शन में लड़ेंगे मैंने बड़ी मुश्किल से लड़ा है, क्योंकि एज नहीं थी इलेक्शन की। इसलिए कि मैं यहाँ रुका हुआ था, मैंने तो पहले इलेक्शन होते हैं, मैं अपने पिशौर के लोगों को पता नहीं हूँ कि तो वो अगर ख्याल के पिशौर से, मैं पिशौर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पिशौर के लोगों ने मेरे साथ बड़ा साथ दिया है, बड़ा साथ दिया, बेपना साथ दिया। इस दफा भी आप देखो मुस्लिम लीग में 27 वोट है, लीडर पार्टी का मेरे मुकाबले 8-9 हज़ार वोट है, 47-47 हज़ार वोट मिले हैं तकरीबन। तो उन्नीस सौ के लोगों ने मेरे साथ कभी नहीं की, बस कोई ऐसी ताकत है जो मुझे चौथा इलेक्शन है कि मैं हार जाता हूँ, जीता हुआ इलेक्शन जब हार दिया जाता है, तो मैंने कहा करते उनको हम अच्छे नहीं लगते, उन ताकतों को हम उनके मयार को पूरे नहीं करते, फिर अब इलेक्शन में नहीं लड़ना, अकेला भी हूँ, मैं देखता हूँ सोच रहा हूँ मैं यहाँ से अपना आबाद शिफ्ट करूँ, वहाँ मेरा पोता है, मेरी वही है, और अपने छोटा सा घर है, तो मेरे को कहीं वहाँ से रहूँगा तो बेहतर होगा भी। अभी सोच रहा हूँ, अभी फैसला नहीं किया, लेकिन यह कि सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ सर यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ अनुभव हुआ है पिछले 3-4 इलेक्शन में, उस पर मुझे थोड़ा सा दुख है, ताकि इसमें की बात होती है, कुछ लोगों का अपना फैसला होता है, तो हम कमज़ोर लोग हैं, हम तो अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह मियाँ फैसले करते हैं, तो अल्लाह मियाँ को अपना देते हैं, अभी तो हमने अपनी कोशिश की है इलेक्शन में। अब ये इलेक्शन मैंने लड़ा, मेरी उम्र 3 मैं बूढ़ा हूँ, और ये सर्दी का मौसम था, ऐसी सर्दी थी इस टाइम कभी कभी निकलना मैं कहता था आज ऐसा वक्त है कि मैं अपने कमरे में बैठ कर टीचर लगा कर बैठा रहा हूँ, तो उसको मैंने कंप्लेन की है, तो उसके बाद भी मैं हार गया हूँ, 41 हज़ार वोट ले कर हार गया हूँ। तो मेरी किस्मत में ये नहीं है कि कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, उनके मैार को पूरा नहीं करता, मैंने 5 दफ़ा पिशौर से कौमी असम्बली को सीट जीती है, तो मेरे पिशौर के लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, 5 दफ़ा कौमी असम्बली को सीट जीत चुकी हूँ, 3 दफ़ा वसी रहा हूँ, 2-3 दफ़ा चली रहा हूँ, मेरे भाई ने यहाँ जीती है, और मैंने तो पिशौर के लोगों ने हमसे बहुत कुछ किया, और अपने पिशौर के लोग मैंने शौक ही नहीं है, हम पिशौर के लोगों को इज्जत भी करते हैं, सलाम भी करते हैं, वो हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो उसमें हम थोड़ा सा अपने दिल से ये कहते हैं बोला कि सब इश्तार तेरे नीचे तो बहुत लोग डॉक्टर होते हैं, एक डॉक्टर ऊपर भी है, हमने उस पर छोड़ दिया। सर ये बताएं कि आप इलेक्शन नहीं करेंगे तो फिर आपकी सीट पर कौन इलेक्शन करेगा? तेलंगा बेटा, तो तेलंगा के काम है, एक आदमी जाते हैं, अगर मैं मर जाऊँगा तो कोई तो होगा ना, तो ये होता है, लोग आते हैं जाते हैं, इलेक्शन में कोई ना कोई खड़ा होगा, विशाल से तो मेरे घर से तो कोई ऐसा बंदा नहीं है, हमारे बच्चे, हमारी बदकिस्मती, मेरा बेटा शहीद बशीर खान शहीद, बशीर का जो बेटा तालीम खान था जो इलेक्शन के काबिल थे, जो मुझसे बेहतर लोग थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हो जो कर सकते थे, और वो शहीद हो गए, तो मैं तो मेरे तो घर से मेरे घर से पाकिस्तान में ऐसा कोई किसका घर नहीं है खानदान जो मेरा है, मेरे घर पर 3 ब्लास्ट हुए हैं, बशीर को ब्लास्ट हो रहा है, हामू को ब्लास्ट हो रहा है, मुझ पर ब्लास्ट हुआ, मेरे साथ 19 आदमी शहीद है, मेरा ड्राइवर शहीद है, मेरे गनमैन सारे शहीद है, मेरी गाड़ी 5-3 साल गई खास्तर हो गई, मुझे अल्लाह ने बचाया, तो वो अल्लाह का निज़ाम है। तो मैं तो हम किसी भी पाकिस्तान में किसी खानदान पर 3 ब्लास्ट नहीं गए, मुझ मेरे घर पर 3 ब्लास्ट, मेरे खानदान को 3 ब्लास्ट, बेटा मेरा मारा गया है। तो ये कुछ ऐसी है कि हमने सियासत को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सियासत को दिया है, हमने दौरे भी सियासत को दिए, हमने जाने भी सियासत को दिए,
زندگی نے سیاست کو دیا, لوگوں نے سیاست میں کمایا ہے, ہم نے سب کو دیا ہماری قسمت. سر کہتے ہیں کہ آپ دل برداشتہ ہو گئے ہیں, پارٹی بھی نہیں پوچھتی, عوام بھی ساتھ ہی دے رہی, اس لیے اسلام آباد چھوٹے ہو رہا ہوں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, پارٹی میں میرا میرا ایک مقام ہے, جتنے تھے میرے جتنے بچے ہیں جو لیڈر ہیں اس پر وہ مل کو فکر کرتے ہیں, خدے احترام کرتے ہیں, اور لوگ مجھے دل سے چاہتے ہیں. آج بھی شوق پیار کے لوگ ہیں, میرے گانا جنازہ پہ جاتے ہیں, مجھے ہم دل سے پیار کرتے ہیں, شوق کے لوگ شوق کے لوگوں نے مجھے کبھی اگنور نہیں کیا, یہ مجھے وہ نہیں کیا, شوق کے لوگوں کا اعتراف کر رہا ہوں. بہت مشکل ہے, کس طرح سے پائے ہیں جو کہ کہیں کہ میں پچھوڑ سے ناراض نہیں, یا میں پچھوڑ میں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں بالکل ہو سکوں. بس یہ ایک عمر کا تقاضا ہے, عمر کا تقاضا کوئی اکیلا ہوں. ویسے ویسے میں کہتا ہوں اس عمر میں ابھی رات کو مرا پڑا ہوں گا تو کوئی منہ میں پانی نہیں ڈالنے والا نہیں ہوگا, اس لیے میں کہتا ہوں کیا جاؤں اپنے بچوں کے پاس, وہ ویسے کوئی بات نہیں. سر یہ بتائیں آپ کا یہ تاریخی گھر ہے, یہاں پر بے نظیر, نواز شریف, نواب زدہ نصر اللہ خان, نواز شریف کے خلاف اتحاد اس گھر میں بنے ہیں, تو سر اس تاریخی گھر کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ بیٹا بھی تو یہ ہمارے آصف زرداری کا والد حاتم زرداری میرے پاس رہتے تھے, میں ان کے پاس رہتا, میرے ساتھ بھائیوں جاتا رہے, بڑا بڑا عثمان کے والد صاحب, اس کے محمود صاحب جو ان کا گھر تھا, جو ملی خان کا گھر تھا, آصف زرداری کے والد حاتم علی کا گھر تھا, پھر نواز شریف کا گھر تھا, یہ جتنے ہی سامنے آ رہے ہیں, یہ جتنے اپنے جب اپنے سد شکار ان کے والد صاحب دور لائی, یہاں تو یہ تو ایک تاریخی گھر ہے بہت بڑا. اب میں نے کیا کہا میرے گھر کو, دیکھوں گا کیا کروں, ابھی سوچتا ہوں کہ کیا کروں.